सैफराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए माले थी मसरूफ का सामान उसके मालिकीन के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस परेड ग्राउंड में एक मेले का इनेकाद अमल में आया। सैफराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि मुतासरीन को उनकी मसरूफ अशिया हवाले कर दी गई। इसमें 79 तोले तलाई जेवरात, 9 किलो चांदी भी शामिल है, जो कि 22 वारदातों में चोरी हुई थी। 63 गाड़ियां और 45 मोबाइल फ़ोन भी उसके मालिकिन के हवाले किए गए। कमिश्नर पुलिस ने सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर पुलिस के अलावा साइबराबाद की क्राइम टीम को मुबारकबाद दी। साइबराबाद में सेकेंड प्रॉपर्टी रिलीज मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 150 केसेस में 2 करोड़ का प्रॉपर्टी हम लोग जो खो गए थे, जो उनके घर में थेफ्ट हुआ था, व्हीकल्स, लैपटॉप, सेलफोन्स वापस दिए गए थे। उस कंटिन्यूएशन से आज सेकंड प्रॉपर्टी रिलीज मेला है। एवरी मंथ ये रिलीज मेला साइबराबाद पुलिस में होगा। एक सेपरेट सीसीआरबी में हमारा डीसीपी क्राइम्स की लीडरशिप में एक सेपरेट वर्टिकल फॉर्म करके जो प्रॉपर्टी गया उनसे कोऑर्डिनेट करके एडवोकेट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स को, लोकल ऑफिसर्स से कोऑर्डिनेट करके वो एक सिस्टम बनाया गया है। आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी रिलीज मेला में 113 केसेस में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रॉपर्टी हम लोग वापस किए गए। उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, सेलफोन्स है, लैपटॉप्स, व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 3 ऑटो रिक्शास, कार्स और लॉरी भी हम लोग वापस उनका ओनर्स को किए गए। इसका काम में हमारा तीनों डीसीपीस, माधापुर डीसीपी वेंकटेश्वरलू, शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी और डीसीपी पद्मजा बालानगर और हमारा डीसीपी ट्रैफिक इंचार्ज क्राइम्स विजय कुमार और सारा एसीपीज, एसएचओस, सीडीओस और हमारा सीसीआरबी स्टाफ बहुत मेहनत किया। उन सबको हम साइबराबाद पुलिस तरफ से, मेरे तरफ से अप्रिशिएशन करता हूँ।